नमस्कार, मैं डॉक्टर कुश कुमार भगत, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इंटरनल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सके हार्ट डिजीज़ के बारे में और हमें हार्ट डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है। वर्ल्ड में हार्ट एवं हार्ट रिलेटेड बीमारियों से जो मृत्यु होती है वो सबसे ज़्यादा है। तो स्पेशली अगर हम यंग पेशेंट्स की बात करें तो अब धीरे धीरे हार्ट रिलेटेड हार्ट अटैक या हार्ट संबंधित बीमारियां यंग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसका कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो सिगरेट स्मोकिंग है या डाइटरी हैबिट्स है जिसमें हाई शुगर डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट और लैक ऑफ स्लीप, एज वेल एज जो स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना है, हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमें खाना प्रॉपर फूड खाना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, जिसमें शुगर की मात्रा कम हो ताकि हमारे शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो, और हमें रेगुलर वॉक करना है, और हो सके तो हर साल हमें अपना एक एनुअल चेकअप भी कराना है ताकि हमारे हार्ट संबंधित बीमारियाँ जो हैं हमें पहले ही पता चल सके कि हमें क्या तकलीफ़ है या क्या तकलीफ होने वाली है। धन्यवाद।